फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ किस तरह से ऑनलाइन से आप किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करते हैं विदाउट फोटोशॉप या किसी बिना ऐप के। सबसे पहले आपका लैपटॉप हो या डेस्कटॉप, उस पर इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आप देख लीजिए, इंटरनेट कनेक्शन होना पड़ेगा। फिर अब मैं बताने जा रहा हूँ किस तरह आपको बैकग्राउंड चेंज होता है। सपोज़ आपको मैं दिखा देता हूँ, ये पिक्चर देख लीजिए, मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र से आप खोल सकते हो। मैं यूसी ब्राउज़र में ओपन कर रहा हूँ मेरा अपना। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ और मुझे कुछ नहीं करना है, जस्ट मुझे यहाँ पे लिखना है रिमूव पीजी। पे मैंने जैसा क्लिक किया, ऑटोमेटिकली देखिए एक पेज खुल के आया हुआ। तो यहाँ पे www.removepg, इस पे मुझे क्लिक करने पे, रिमूव पीजी पे क्लिक करने पर यहाँ पे ऑप्शन ऑलरेडी एक वेबसाइट खुल के आ गया उसका, रिमूव पीजी का। तो मुझे क्या करना है, अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। अपलोड इमेज पे मैंने जैसा क्लिक किया, देखिए तो मुझे अभी मेरा पिक्चर लोकेशन ऑटोमेटिकली आ गया। देखिए डेस्कटॉप पे सेव था पिक्चर, आ गया ऑटोमेटिकली। इस पिक्चर को मुझे क्लिक करना होगा, डबल क्लिक। देखिए प्रीपेरिंग अपलोड हो रहा है, अपलोडिंग हो रहा है आपका पिक। अब जस्ट कुछ सेकंड लगेगा, फिर ऑटोमेटिकली अपलोडिंग हो जाएगा। देखिए बहुत इजी है, आप को इसके लिए कोई एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आप किसी से भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है इसको बैकग्राउंड चेंज। बहुत इजी है, इजी प्रोसेस। देखिए अपलोडिंग ऑलरेडी हो गया है। अभी देखिए, अब यहाँ पे देखिए ओरिजिनल पिक है मेरा, ये पहले के ओरिजिनल पिक है। यहाँ पे अभी मैंने बैकग्राउंड एक ब्लैंक हो गया पेज। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एडिट पे जाना होगा। तो एडिट पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑलरेडी है। मुझे सपोज़ मुझे, मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखिए ऑटोमेटिकली, देखिए ऑटोमेटिकली आ गया बैकग्राउंड। देखिए मुझे इस बैकग्राउंड ज़रूरत चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपको कोई एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई फोटोशॉप की ज़रूरत, देखिए आ गया। अब मुझे बिल्कुल प्लेन चाहिए, मतलब कुछ सीनारी नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे कलर पर क्लिक करना होगा, बिल्कुल ब्लैंक पेज। देखिए मुझे अगर बैकग्राउंड टोटली वाइट चाहिए, देखिए वाइट क्लिक किया मैंने। किसी भी कलर से आप अपना बैकग्राउंड रख सकते हो, देखिए किसी भी कलर आप चूज़ कर सकते हो। बहुत ईजी है। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप मान लो मुझे इस ब्लू पे करना है, तो मुझे मेरा हो गया। मैं मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना होगा। डाउनलोड पर मैंने कर लिया है, देखिए डाउनलोड इमेज। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे फाइल नेम देना होगा। फाइल नेम मैं दे देता हूँ, फाइल नेम जेनेक्स दे देता हूँ, GENX जेनेक्स दे देता हूँ। और डाउनलोड कर दिया मैंने, देखिए डाउनलोड हो गया। अब मुझे कहाँ देखना होगा, ये देखिए डेस्कटॉप पे मैंने यह इस फोल्डर पे सेव किया था, यहाँ पे मैंने जेनेक्स नाम से किया हुआ है। देखिए जेनेक्स नाम से, जेनेक्स नाम, ये देखिए तो इस तरह से करते हैं। होप करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखने के लिए वीडियो बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।